सो आज वेट लॉस एंड एप्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। एंड अगर आप ये चैनल पे नए हो तो ये नीचे वाला एक बड़ा वाला रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो। वहाँ एक बेल आएगा, उस पर भी क्लिक करो, सो एटलीस्ट फ्यूचर के जितने वीडियोज आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। एंड ये वीडियो लास्ट तक देखने, क्योंकि एप्स के बारे में बात करने के बाद मैं लास्ट में दो छोटे वाले प्रो टिप दूंगा। सो वीडियो टाइटल सेज एप्स फॉर वेट लॉस। ऐसा नहीं कि ये एप्स को आप इंस्टॉल कर लो एंड वेट लॉस खुद हो जाए, इसके लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। एंड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड यू हैव टू लीड अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल। सो इसके बारे में भी हम एक दूसरे वाले वीडियो में बात करेंगे, उसमें बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, एक लंबा वाला वीडियो का मैं वो वीकेंड में बनाएंगे। आज के लिए ओनली मैं आपको एप्स बताऊंगा जो मैं पर्सनली यूज किया हूं लास्ट 7 मंथ्स से फॉर माय ओन वेट लॉस जर्नी। सो बकल अप। ऐसे तो ऐप स्टोर में बहुत सारे ऐप्स हैं, हजार ऐप हैं, एंड बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पैसा मांगते हैं। ऐसे भी कुछ ऐप्स हैं जो शायद 5-6 हजार रुपए पर मंथ मांगते हैं। आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस थिंग, क्योंकि ये सब ऑलमोस्ट फ्री में हो सकता है। सो मैं जितने भी ऐप्स यूज करता हूँ ऑलमोस्ट 90% और 80% ऑफ देम आर फ्री। सो आप फ्री में उसको इंस्टॉल कर सकते हो, फ्री में यूज कर सकते हो, एंड सब कुछ ऑलमोस्ट में सब होता है। तो उसको मैं 4 कैटेगरी में तोड़ के रखा हूँ। फर्स्ट इज एक्टिविटी ट्रैकर ऐप्स, सेकेंड इज फूड ट्रैकर ऐप्स, थर्ड इज प्रोग्रेस ट्रैकर ऐप्स, एंड द फोर्थ इज वर्कआउट ट्रैकर ऐप्स। तो ये 4 कैटेगरी है, एंड वो 4 कैटेगरी में आपको जो जो ऐप्स मैं यूज कर वो सब एक एक करके डिस्कस करें। तो पहले वाला जो है एक्टिविटी ट्रैकर में, अगर आप iOS यूज करते हो, एप्पल यूज करते हो, एप्पल आईफोन यूज करते हो, आई वॉच यूज करते हो, तो एप्पल का हेल्थ ऐप जो है उसमें सबको सिंक मार के रखो, दैट इज द बेस्ट ऐप। एंड अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हो देन गूगल फिट ये वाला यूज करो। ऑल्सो यू कैन इंस्टॉल द गूगल फिट ऑन योर iOS एज वेल, बट अगर iOS नहीं है, एंड्रॉयड है, देन गूगल फिट अकेले डाल सकते हो, बट iOS में आप एप्पल हेल्थ भी यूज कर सकते हो एंड गूगल फिट भी यूज कर सकते हो। एक्चुअली मेरे को तो ये गूगल फिट वाला ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें बहुत सारे डिटेल्स पूरा डिटेल्स में आते हैं। मेरे को अभी अगर मेरा वाला गूगल फिट देखना हो, कल वाला पूरा वो डिटेल्स दिखाता है कि लास्ट वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड आप देख सकते हो कि मेरा हर दिन का एक्टिविटी कुछ ना कुछ है। हर दिन आई वर्कआउट लाइक 30 मिनट्स 40 मिनट्स, वो सब दिन का संडे छोड़ के वो पूरा डिटेल्स दिखाता है, एंड वेट लॉस, हार्ट रेट, ऑलमोस्ट सब कुछ, ऑल द डिटेल्स वो ये गूगल वाला फिट वाला ऐप पे दिखाता है। तो गूगल फिट पहले इंस्टॉल करो, ये हो गया एक्टिविटी का। देन आता है अगर आप दौड़ रहे हो, बहुत ज्यादा मोटा हो तो आपको दौड़ना है, सुबह सुबह जाके दौड़ना ही है, दौड़ लगाना है, उसका और कोई सोल्यूशन है ही नहीं। दौड़ो, वर्कआउट करो, कम खाओ, और कोई सोल्यूशन है नहीं। सो उसके लिए नाइकी NRC एक ऐप है, कहाँ गया वो, हाँ नाइकी रन क्लब, ये वाला इंस्टॉल कर सकते हो, एंड वो एप्पल वॉच पे भी आता है वो ऐप, एंड उसका इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सो ये वाला इंस्टॉल करो, ये वाला लगा के आप रन कर सकते हो, एनी नंबर ऑफ रन्स, एनी नंबर ऑफ वॉक तो इसमें काम नहीं करता है, पर रन वाला मस्त काम करता है, एंड उसमें पॉडकास्ट बजता है, सॉन्ग्स बजते हैं, बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है, जितना पैसा दोगे उतना ज़्यादा वो ऑप्शन आते हैं उसमें। सो वो वाला यूज कर सकते हो। एंड और एक जो ऐप है रन स्टैटिक, वो भी और एक ऐप है, वो मैं पहले यूज करता था, अभी वो मैं यूज नहीं करता क्योंकि आजकल मेरे को दौड़ना नहीं पड़ता है। तो अगर वो आप यूज करते हो वो शायद आजकल 200-300 रुपए मंथली लेता है, बट इट डजंट मेक सेंस। आप ये नाइकी रन क्लब यूज करते हो, ये फ्री है, एंड एप्पल का जो खुद का जो एक्टिविटी उसमें भी रन, वॉक, स्विमिंग, ऑल ऑफ देम एक्टिविटीज आर देयर इन द एप्पल एक्टिविटी ऐप एज वेल, उसको भी आप यूज करते हो। मैं उसी को यूज करता हूँ स्विमिंग के लिए। फिर नेक्स्ट कैटेगरी को आते हैं, वो है फूड ट्रैकर ऐप्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप जब वेट लॉस कर रहे हो तो उसके लिए आपको सबसे मेन है ये वर्कआउट, जिम, ये सब फालतू का मतलब एक्सक्यूजेस है, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। मेन थिंग इज किचन में आप क्या करते हो, खाते क्या हो। अगर बहुत ज़्यादा खाओगे कभी पतला नहीं होने वाले, मेन इज खाना, एंड खाने का ट्रैकर इज द फर्स्ट ऐप यू नीड टू इंस्टॉल। जो मैं यूज़ करता हूँ वो है हेल्दीफाई, ये भी पेड है बट मैं फ्री वाला इंस्टॉल करके रखा हूँ, क्योंकि जो पेड वाला है उसमें आपको उनके कुछ डॉक्टर्स डाइट वाइट चैट बना के देंगे, वो अपने को नहीं चाहिए, मेरे को खुद को मालूम है मैं क्या खाऊंगा। तो उसके लिए और एक वीडियो बनेगा जिसमें मैं एग्जैक्टली बताऊंगा मैं क्या खाता हूँ दिन से रात तक। सो पहले ही इंस्टॉल करो जाके हेल्दीफाई, एंड अगर आप बहुत अमीर आदमी हो, आई नीड ए गुड ऐप, और ज़्यादा हेल्दीफाई से भी और अच्छा ऐप और एक है, वो है माई फिटनेस पॉल। वो शायद मैं इंस्टॉल किया था 2-3 महीने के लिए, इट वॉज गुड, बट मेरे को हेल्दीफाई ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि माई फिटनेस पॉल को अगर पैसा दे वो बहुत ज़्यादा ऐप अच्छा ऐप है, बट हेल्दीफाई जो है इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ आते हैं, कुछ भी डालो, ओडिया का ऐसे भी कुछ भी डिशेज है वो
पंपड़ भी ऐसे मार दो आ जाएगा, आरिसा पीठा मार दो आ जाएगा, एनीथिंग कुछ भी डालो उसमें दिखा लेता है। तो हेल्दीफाई जो है पहले वो जाके इंस्टॉल करो। एंड जो थर्ड वाला जो ऐप है वो है जीरो। ये मैं यूज करता हूँ अपने इंटरमीडिएंट फास्टिंग ट्रैकर के लिए। तो अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो आपको मालूम होगा मैं वीकली शायद 4 दिन इंटरमीडिएंट फास्टिंग करता हूँ एंड रेस्ट डेज आई ईट नॉर्मल। तो इस ये ऐप सबसे मस्त है एंड ये फ्री है। अगेन इतना अच्छा ऐप वो फ्री में कैसे देने मेरे को नहीं मालूम, पर ये बहुत ही अच्छा ऐप है। जीरो वाला ऐप पे आप देख सकते हो कि वो डिटेल्स में दिखा रहा है कि अभी मैं कल 11 बजे लास्ट डिनर खाया था, अभी वो दिखा रहा है कि 13 घंटे ओवर हो चुके हैं और मेरा एंडिंग टाइम फॉर द फास्ट इज 3 PM। ये एंड करने के बाद मेरे को यहाँ पर हिस्ट्री पे दिखा देगा कि कब कब मैंने फास्टिंग किया है, क्या क्या किया है, कितना दिन का लॉन्गेस्ट फास्ट, कितना एवरेज, कितना कितना फास्ट कंप्लीट हुआ है, वेट अभी कितना है, ऑल द डिटेल्स, पूरा डिटेल्स ये ऐप में दिखाया था जर्नी के साथ। सो ये वाला ऐप भी इंस्टॉल करो अगर आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग करना है। मेरी तरह अगर नहीं करना है तो नो नीड टू इंस्टॉल, बट आई एब्सोल्युटली हाईली रिकमेंड एवरीवन टू डू इंटरमीडिएट फास्टिंग। बहुत ही मस्त चीज है, उसके बारे में और एक वीडियो में बात करेंगे, लंबा वाला वीडियो बनेगा और एक वीडियो पे। थर्ड आता है प्रोग्रेस ट्रैकर। सो आप जब स्टार्ट करो अपना वेट लॉस का जर्नी, आपका हर चीज का सामान जितने भी है, मेन वाला सामान का साइज छोड़ के और जितने भी सामान है सबका साइज नाप लो, सबका साइज, पेट, हाथ, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, लेग्स, सबका साइज नाप के, एक ऐप का नाम है स्केल, उस पर ऑल साइजेस डालो एंड हर मंथ और मे बी हर वीक पे सबका मेजरमेंट फिर से लो और उसमें डालते जाओ। तो आपको 5 महीने के बाद मालूम पड़ेगा कि हाँ कितना से आप कितना आगे। जैसे मेरा शायद मार्च में पहनता था 34 इंच वाला जीन्स एंड आज मैं पहनता हूँ 28-30 भी कुछ पहनता हूँ, बट 28 मेरे को परफेक्ट फिट होता है। सो 7 महीने में 34 से 28 आ गया एंड वो सब कैलकुलेशन मेरे पास अभी भी है। एंड और एक जो ऐप है प्रोग्रेस ऐप, वो ओनली iOS में है, एंड्रॉयड में नहीं है। उसमें क्या होता है, वो आपका हर दिन का आपको फोटो लेना है, एक हर दिन का फोटो लेके रखेगा। अगर आपको, मैं अभी आपको मेरा वाला वीडियो नहीं दिखा सकता, मैं खतरनाक मोटा था मार्च में, वो वाला वीडियो आपको देखना है तो दूसरे वाले वीडियो का इंट्रो में मैं वो वीडियो डाल दूंगा। उसमें मेरा पूरा प्रोग्रेस है मार्च 21st से लेके मई 25 तक, मई 3 तक है शायद, मई 2, क्योंकि मई 3 में साइक्लोन हो गया, उसके बाद से मेरा दिमाग घूम गया एंड मैं तब से, उसके बाद से मैं फोटो नहीं लिया हूँ, बट उसके बाद से बॉडी और थोड़ा मस्त साइज हो गया है। सो वो प्रोग्रेस ऐप इज द बेस्ट। आपको हर दिन सुबह एक रिमाइंडर डाल दो, हर दिन सुबह जाके फोटो ले लो एंड 6-7 महीने के बाद वो वाला वीडियो खुद देखना, मजा आ जाएगा। बहुत खुशी आता है जब मतलब वो प्रोग्रेस हम देखते हैं कि इतना मोटा से इतना पतलू हो गए ओनली 6-7 महीने में, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड वो वाला ऐप पहले इंस्टॉल करो क्योंकि ये ट्रैकर वाला चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो मोटिवेशन आता ही नहीं अगर आप ट्रैक नहीं करो अपने वेट, हाइट एंड ऑल दैट। हाइट तो नहीं, इधर उधर नहीं होता, ये वेट का मेन बात करो, ये हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एक एक वर्ड मिस हो जाता है। एनीवेज देन आता है अपना वर्कआउट ट्रैकर ऐप। इसमें पहला जो है सेकेंड्स प्रो, ये शायद 200-300 रुपये ऐसा कुछ है, वन टाइम परचेज है। ये मैं यूज करता हूँ मेरा अर्ली मॉर्निंग ओनली 7-8 मिनट, ज़्यादा नहीं, ओनली 7-8 मिनट का हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के लिए। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, हियर इज द लिंक, गो एंड चेक इट आउट। उसमें मैं दिखाऊँ कि 7-8 मिनट ऑन एवरी मॉर्निंग 7-10 मिनट्स यू हैव टू गिव एंड ये वाला ऐप यूज कर सकते हो। उसमें पूरा डिटेल्स में दिखाता है, वो ऐप ये वॉच में भी काम करता है, सो इवन इफ यू डोंट हैव द फोन यू कैन यूज इट जस्ट ऑन द वॉच। सो सेकेंड्स वाला प्रो है, ये ओनली iOS में है। इसमें आप लिस्ट कर लो अपना हाई इंटेंसिटी में जितने जो भी आइटम्स है उसको लिस्ट करो, 30 सेकेंड्स डाल दो हर पे एंड 10 एक्सरसाइज 30 सेकेंड्स डाल के वही 7-8 मिनट करो, मोर देन इनफ। देन आता है स्मार्ट जिम। ये एक सबसे मस्त ऐप है जो मैं यूज करता हूँ, ये वाला मैं हर दिन यूज करता हूँ, क्योंकि यही वाला वही ऐप है जो मेरे वॉच पे डाल के रखा हूँ एंड वही वाला जाके मैं जब भी जिम हिट करता हूँ पहले जाके स्टार्ट वर्कआउट क्लिक करता हूँ, वहाँ से स्टार्ट होता है। एग्जैक्ट 30 या 40 मिनट्स में मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं उससे ज़्यादा जिम नहीं करता, ओनली 30 और 40 मिनट्स 6 days a week, दैट्स माई प्रीडी वर्कआउट स्केड्यूल। एंड यही वाला ऐप जो है वो वही हेल्प करता है, क्योंकि ये वाला ऐप बहुत बड़ा है, उसमें आप सब कुछ सेटअप भी कर सकते हो। मेरा ऑलमोस्ट हर दिन का सेटअप है, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसमें सब सेटअप होके है, ओनली क्लिक करना पड़ता है। वो पूरा एक्सरसाइज वॉच पे दिखाता है, आईफोन लेके जिम लेने का अभी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फोन पे सब कुछ दिखाता है, एक क्लिक करो पूरा कैलोरी ट्रैकर, वेट, ये वो बहुत सारा डिटेल्स दिखाता है। और एक मस्त वाला ऐप है वो है प्रो जिम वर्कआउट। इसमें क्या होता है, आपको पूरा हर डिटेल्स हर दिन, अगर आपको तोड़ना है कि मंडे हो गया अपना लेट्स से बाइसेप्स, ट्यूजडे हो गया एब्स, फिर वेडनेसडे हो गया चेस्ट, उसके बाद शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, लेग्स, इसमें आप हर दिन का तोड़ के रख सकते हो। तो अगर लेट्स से मंडे बाइसेप्स, तो बाइसेप्स पर क्लिक करो एंड ये पूरा दिखाता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए,
फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट वाला है तो उसको क्लिक करो, उसमें वो पूरा डिटेल्स में वीडियो आ जाता है, वो भी बोल देता है कि कौन सा मसल में ये हिट कर रहा है। एंड ये फ्री है, ये भी पैसा वाला नहीं है, फ्री है एंड फ्री में ये जबरदस्त ऐप है। हाँ, उसके बाद और एक ऐप है जेई फिट, ये शायद माई फेवरेट ऐप। इसमें आप अपना वर्कआउट ट्रैकर, वेट लॉग, वर्कआउट लॉग, ऑलमोस्ट सब कुछ डाल सकते हो। एंड ये एंड्रॉयड पे भी है, मैं एंड्रॉयड पे यूज करता हूँ, ये मेरे वन प्लस में इंस्टॉल होके है। उसमें आप हर दिन का सेटअप करके रख सकते हो। मैं मेरा वाला आपको खोल के दिखाता हूँ, जेई फिट, यहाँ वर्कआउट पे जाके माई प्लान्स। तो यहाँ अगर आप एक्सरसाइज पे जाते हो तो ये डिटेल्स में दिखाता है कि ट्राइसेप्स, चेस्ट, शोल्डर्स, बाइसेप्स, कोर, बैक, अगर कोई क्लिक करते हो तो वो जितने भी एक्सरसाइज है वो मसल के लिए वो पूरा लिस्ट होके आ जाता है, उसको लेके आप अपने दिन पे ऐड कर सकते हो। मेरा वर्कआउट स्केड्यूल जो है, सो अभी आप देख सकते हो कि मेरा जो है यहाँ है मंडे शोल्डर्स एंड बैक, ट्यूजडे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, वेडनेसडे लेग्स एंड एब्स, थर्सडे लोअर बॉडी एंड बाइसेप्स, फ्राइडे शोल्डर्स एंड ट्रैप्स। तो अगर आज लेट्स से वेडनेसडे है तो वेडनेसडे में जाऊंगा जिम, इसको क्लिक करूंगा, यहाँ सब ऑप्शंस दिखा रहा है कि ये करना है, 3 sets, 8 reps, रेस्ट इज 60 seconds, स्टार्ट वर्कआउट, वो डायरेक्ट दिखाएगा, आई एम रेडी, मारूंगा, वो स्ट्रेट दिखाता है, डिक्लाइन क्रश, उसके बाद 3 sets, ये जितना मेरे को वेट में करना है वो वेट में यहाँ डाल के लॉग सेट। तो ये हर दिन मैं अपना लॉग्स रखता हूँ, फिर एक वीकेंड, हर वीकेंड में एक बार लॉग्स चेक करता हूँ, वो पूरा डिटेल्स में दिखाता है कितना वेट उठाया गया है, कितना टाइम वर्कआउट हुआ है, कितना सेट्स हुआ है, कितना रेप्स हुआ है, कौन कौन सा एक्सरसाइज हुआ है, कौन सा एक्सरसाइज मिस हुआ है, ऑल द डिटेल्स। दिस इज माई मोस्ट बेस्ट ऐप आई वुड से ऑन माई फोन। सो यही था वही सब ऐप जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ सिंस 6-7 months। सो दैट्स अबाउट ऑल द एप्स विच आई पर्सनली यूज। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी कैन डिस्कस। एंड मैं भूल गया, 2 pro tips मैं देने वाला था। पहला वाला जो है, आप जितने भी इतने सारे ऐप्स यूज करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो कौन सा क्या करना है, कब करना है, तो उसके लिए बेस्ट है एक रिमाइंडर ऐप डालो, लाइक ड्यू और मे बी गूगल रिमाइंडर्स, गूगल टास्क, कोई भी एक डालो, उसमें सब रिमाइंडर को रेकरिंग रखो। ये हेल्दीफाई का एक अच्छा है कि बहुत सारा चीज ऐसा रहता है कि आपको पानी पीना रहता है हर दिन में 6-7 liters, पर आपको याद नहीं रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, जितने भी नोटिफिकेशंस है वो आईफोन एंड वॉच को दोनों में पुश करके रखता हूँ, तो हेल्दीफाई मेरे को हर 2 घंटे में रिमाइंड करता है कि भाई पानी पी ले, भाई पानी पी ले। नॉट 2 घंटे, मेरा शायद हर आधे घंटे में है कि भाई 2 glass पानी, भाई 2 glass पानी, भाई 2 glass पानी। ऐसे करके मैं हर दिन शायद 6-7 liters का पानी पीता हूँ। सो नोटिफिकेशंस पुश करके रखो एंड रिमाइंडर ऐप रखो, क्योंकि इतने सारे ऐप्स जब आप यूज करोगे कुछ भी याद नहीं रहेगा क्या करना है क्या नहीं। और इंटरमीडिएंट फास्टिंग के लिए ये जो सेकंड वाला टिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, नॉट इवन एवरी डे, एटलीस्ट 4-5 days तो ट्राई करो, अगर नहीं होता तो 2-3 दिन ट्राई करो। बट उसके लिए भी रिमाइंडर जो है उसको सेट करके रखो, वो रिमाइंडर ऐसे रखो कि जो रिमाइंडर बजेगा वो एग्जैक्ट वही टाइम में बजना चाहिए नॉर्मली आप जब डिनर खाते हो, एंड जब वो खत्म होगा वो एग्जैक्टली तभी होना चाहिए जब आपको नॉर्मली भूख लगता है। ऐसे ही करके सेट रखो, 1-2 week तक ऐसे सेट करो, उसके बाद जाके 16-17 घंटा करना, उसके बाद इट गेट्स सेट। सो यही था वो 2 pro tips की नोटिफिकेशंस एंड रिमाइंडर्स, ये दो नहीं रहेगा तो आप जितने भी ऐप्स इंस्टॉल, 1000-1000 ऐप इंस्टॉल करो, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपको इतने सारे काम करने के बीच ये ऐप्स कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, ये सब याद भी नहीं रहता है। मेन इज नोटिफिकेशंस एंड रिमाइंडर्स, ये दो अगर सेट है योर लाइफ इज सेट। सो दैट्स इट, सो आई विल सी यू गाइस टुमारो।